ये कैसे कैसे एडवर्टाइजमेंट छापते हैं लोग? क्यों, कैसा है? बोल्ड एंड ब्यूटीफुल रेंज ऑफ फैशन वेयर, इसमें क्या खराबी है? अच्छा खासा तो है। ये गैर जिम्मेदारी है, इन्हें ये भी नहीं पता इसका आम लोगों पर क्या असर होगा। पता है लोग ऐसा क्यों करते हैं? क्यों? लोगों को आकर्षित करने के लिए। नंगे अधनंगे स्त्री शरीर को चारे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन तुम कौन होती हो उनको रोकने वाली? कोई जरूरी थोड़ी है जो तुम्हें अच्छा लगता है वही सही हो। तो फिर सही और गलत का फैसला कौन करेगा? कानून। कानून हर बात का फैसला नहीं कर सकता। आप एक वकील हैं इसलिए आप ऐसा सोचते हैं। मैं एक शिक्षिका हूँ, माँ हूँ, अपने बच्चों का पालन पोषण शिक्षण मैं कानून के सहारे नहीं छोड़ सकती। आप ही बताइए, अगर हमारी सुगन ऐसे करेगी तो क्या आपको अच्छा लगेगा? वो उसका अपना फैसला होगा। आप बहुत उदार हैं, लेकिन मैं इतना जानती हूँ सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन की कुछ सीमाएं होती हैं जिन्हें कानून नहीं हम खुद तय करते हैं। हेलो, हाँ जया जी, कैसी हैं आप? क्लास नहीं ले सकते? क्यों, क्या हुआ? ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। हाँ हाँ ठीक है, मैं आपकी क्लास ले लूंगी। किसी चीज की आवश्यकता हो तो बताइएगा। जी नमस्ते। अब कौन सा नया आंदोलन छेड़ रही है तुम्हारी समाज सेविका जया भावे? जया क्या है, एक औरत काम करती है रमाबाई, उसकी सुमन की उम्र की एक बेटी है, उसकी अभी तक शादी भी नहीं हुई और वो माँ बनने वाली। देखा जया बहन, देखा इसको, इसको शर्म भी नहीं आती, देखो कैसे देख रही है। चाचा, मोहल्ले भर में मिठाई बांट के आ, त्योहार मना, माँ बनने वाली है ना तू, बिंदिया ही माँ करम चली। ये सब करने से पहले ट्रेन के आगे कूदकर मार क्यों नहीं गई तो? क्या कह रही हो रमा भाई, पागल हो गई हो क्या? ये भी नहीं देखती कि बेचारी मासूम बच्ची है। मासूम बच्ची? ये मासूम बच्ची है, फिल्म की हीरोइन की तरह आग पटक का खेलती थी मोहल्ले भर में, बहुत शौक था ना पाउडर और लिपस्टिक लगाने का। अब मेरे मुंह पे काली फोड़ के आई है कदम चले। रमा भाई, पुरानी बातें दोहराने से क्या फायदा, अब आगे की सोचो, सोचो कि अब क्या करोगी तुम। मैं क्या करेगी? मैं इसको मार डालेगी। रमा भाई छोड़ो मुझे, मेरी बेटी है कुछ भी करेगी मैं उसके साथ। क्या वाकई मार डालोगी उसे, तब चैन मिलेगा तुमको? मैं इसको काट डालेगी, इसका खून से मेरी इज्जत पे लगा काला धब्बा पोंछ डालेगी मैं। तो जाओ मार डालो उसे, देखती क्या हो, जाओ काट डालो।